हे गाइस, अगर आप लोग टिकटॉक यूजर हो तो टिकटॉक की तरफ से यहाँ पर एक नई अपडेट निकल के आई है। उसके बाद अगर आप लोग छोटे टिकटॉक यूजर हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक गुड न्यूज है जिसको यूज करके आप लोग बेहद फायदा उठा सकते हो। सो हे गाइस, ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। और अगर आप लोग टिकटॉक को यूज कर रहे हो वीपीएन कनेक्ट करके, तो आप लोगों के लिए भी एक जानकारी है इस वीडियो में। तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक। और चैनल पर ना हो तो यार वीडियो के नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस कर दे, साथ में आप लोगों के बेल आइकन नजर आएगा उसको प्रेस करके आप लोग ऑल पे क्लिक कर दे। सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कि टिकटॉक की तरफ से कौन सी अपडेट आई है। सो गाइस, हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर हैं उनका नाम है अमीनुल हक, तो उनकी तरफ से एक अपडेट निकल के आई है कि टिकटॉक जो है पाकिस्तान में कुछ ही दिनों में वापस आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर मुझे एक दोस्त ने इंस्टाग्राम पर हमारा एक सब्सक्राइबर था, उसने आज मुझे मैसेज किया कि मेरे भाई ने टिकटॉक पर वीडियो वगैरह अपलोड की हुई थी, उसके 25,000 लाइक थे लेकिन अब उसके 6,000 लाइक बचे हैं, तो ये क्या रीज़न हो सकती है। सो गाइस, टिकटॉक जो है वो वीडियोस वगैरह डिलीट कर रहा है जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन को क्रॉस करती हैं। अगर आप लोग भी टिकटॉक यूज़र से आपने वीडियोस वगैरह अपलोड की हुई थी तो आप लोगों के अगर लाइक वगैरह कम हो जाती हैं तो आप लोगों की वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। सो गाइज, उसकी जो है 200 वीडियो डिलीट कर दिया, मतलब टिकटॉक को पीटीएन ने ट्वीट किया था जिसका रिप्लाई उस टाइम तो टिकटॉक ने नहीं किया था, बट जब टिकटॉक पाकिस्तान में बैन हुआ तो टिकटॉक के ओनर की आंखें खुल गई हैं और उसने जो कम्युनिटी गाइडलाइन को क्रॉस करती थी उन वीडियोस वगैरह को डिलीट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है, जो हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर हैं उन्होंने भी यही कहा कि कुछ ही दिनों में टिकटॉक पाकिस्तान में वापस आ जाएगा। और टिकटॉक भी जो है, टिकटॉक के ओनर हैं या जो टिकटॉक की कंपनी है, तो वो भी इस चीज़ को अब जो वीडियोज़ वगैरह कम्युनिटी गाइडलाइन को क्रॉस करती हैं उन वीडियोज़ को डिलीट कर रहे हैं। सो हे गाइस, अगर आप लोगों के लाइक कम हो जाती हैं तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसके बाद यहाँ पर जो है सेकेंड जो गुड न्यूज़ है, जो छोटे टिकटॉक यूजर है तो उनके लिए, सो हे गाइस, अगर आप लोग विदाउट वीपीएन के टिकटॉक को ओपन करते हो तो आप लोगों के सामने बाजू का दो वीडियोज आती हैं जो कि प्ले हो जाती हैं। विदाउट वीपीएन के दो वीडियोज आती हैं, तो अगर आप लोग टिकटॉक यूजर हो तो वीपीएन को कनेक्ट करके आप लोग अगर वीडियोज वगैरह अपलोड करते हो तो दिन की आप लोग दो वीडियोज लाजमी अपलोड करें। तो गाइस, दो वीडियो अगर आप लोग अपलोड नहीं करते तो आप लोग एक वीडियो लाजमी अपलोड करें। अगर आप लोग एक वीडियो अपलोड करती हो जो दो वीडियो आपके सामने शो होती हैं वो फॉर यू पेज में होती हैं, तो आप लोगों की वीडियो ऑटोमेटिकली टिकटॉक तो पाकिस्तान में बैन है लेकिन दो वीडियो सामने शो होती हैं उन वीडियो को हर बंदा कंप्लीट देखता है, तो आपकी वीडियो भी फॉर यू पेज में जा सकती हैं और आपकी वीडियो इजीली वायरल हो सकती है। सो हे गाइस, जो थर्ड अपडेट है यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो बंदे टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं वीपीएन कनेक्ट करके तो उनके लिए एक न्यूज़ है। अगर आप लोग वीपीएन कनेक्ट करके टिकटॉक को यूज़ करते हो तो पहली बात है आप लोग टिकटॉक को यूज़ मत करें। सो गाइस, क्योंकि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हुआ है, गवर्नमेंट ने बैन किया, किसी रीज़न की वजह से बैन किया है, तो अगर आप लोग टिकटॉक को यूज़ करती हो तो ये गलत बात है सरासर। पाकिस्तान में टिकटॉक बैन इस वजह से हुआ कि यहाँ पर जो है कुछ गलत किस्म की लेडीज़ यहाँ पर गलत किस्म की वीडियोज़ अपलोड करके अच्छे खासे लाइक और अच्छे खासे फॉलोअर हासिल कर रही थी। सो गाइस, अगर आप लोग फिर भी टिकटॉक को यूज़ करते हो वीपीएन कनेक्ट करके तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक न्यूज़ देता हूँ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग टिकटॉक को यूज़ ना करें, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की गाइडलाइन को क्रॉस करती है, क्योंकि टिकटॉक जो है पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। अगर आप लोग फिर भी यूज़ करते हो तो ये सरासर गलत है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाना। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, अगर आप लोग टिकटॉक यूज़र हो वीपीएन को कनेक्ट करते हो, अगर आप लोग बार बार अलग अलग प्रोक्सी को कनेक्ट करते हो, अगर एक ही प्रोक्सी पर कनेक्ट करते हो ठीक है, अगर आप लोग डेली की नई नई प्रोक्सी कनेक्ट करते हो या हर 10 मिनट के बाद नई नई प्रोक्सी कनेक्ट करते हो तो आप लोगों का अकाउंट यहाँ पर डिलीट हो सकता है या सस्पेंड हो सकता है, आप लोगों का टिकटॉक अकाउंट बैन भी हो सकता है। सो गाइज, कभी आप लोग यूनाइटेड स्टेट की प्रोक्सी लगा रहे हो, कभी आप लोग और कभी आप लोग मलेशिया की प्रोक्सी लगा रहे हो, कभी आप लोग हांगकांग अलग अलग मतलब कंट्रीज की प्रोक्सी लगा रहे हो। सो गाइज, इससे आप लोगों का अकाउंट बैन भी हो सकता है, सस्पेंड भी हो सकता है, क्योंकि टिकटॉक टीम जो है ये देखेगी कि ये बंदा जो है दोपहर में मलेशिया की प्रोक्सी लगा रहा है और शाम में जो है यूएसए की प्रोक्सी लगा रहा है,
और सुबह के टाइम जो है ये बंदा यूके की प्रोक्सी लगा रहा है, तो ये क्या चक्कर है? सो गाइस आप लोगों का अकाउंट बैन हो सकता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग एक ही प्रोक्सी कनेक्ट करके टिकटॉक को कैसे यूज कर सकते हो। सो हे गाइस, मैं थर्ड बार आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि आप लोग टिकटॉक को यूज ना करें, क्योंकि टिकटॉक जो है पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। लेकिन मेरा काम है आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाना, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एक ही प्रोक्सी कैसे कनेक्ट कर सकते हो। सो गाइस, जो बेस्ट वीपीएन है टिकटॉक के लिए, कि टिकटॉक बैन है, आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मैं इसको क्लियर डाटा करके इसको ओपन कर लेता हूँ, और उसके बाद एक ही प्रोक्सी कनेक्ट कैसे कर सकते हो, ताकि आप लोग टिकटॉक भी यूज़ कर लो और आपके अकाउंट को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, वीपीएन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप लोग अगर इस वीपीएन को यूज़ करती हो तो आप लोगों के अकाउंट को बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब यहां पर जो आप लोगों ने बिल्कुल भी कोई चीज़ को नहीं छेड़ना, आपने एक ही अगर पूरा प्रोक्सी कनेक्ट करनी है। सो गाइस, आप लोग सिंपल यहां से आप लोगों को एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, यहाँ पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन शो हो रहा है। प्रोक्सी चेंज अगर करनी है तो यहाँ से होगी, लेकिन आप लोगों ने प्रोक्सी चेंज नहीं करनी। सो गाइस, यहाँ पर जो ऑटो सिलेक्टेड है, तो बस आप लोगों ने कनेक्ट पे क्लिक करना। अगर आप लोग प्रोक्सी डेली चेंज करोगे तो अगर आप लोगों के अकाउंट को कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर आप लोग बाद में ना कहना। तो सिंपल आप लोग जैसे ही इसको ओपन करोगे, परमिशन को आपने अलाउ कर देना, उसके बाद सिंपल आप लोग जैसे कनेक्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर एक ऐड आएगा, उसके बाद आपने क्लोज पे क्लिक करना। जैसे क्लोज पे क्लिक करोगे वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद सिंपल आप लोग टिकटॉक को ओपन कर लें। तो यहाँ पर जो हमारे पास टिकटॉक ओपन हो चुका है, हम लोग यहाँ से वॉल्यूम डाउन कर लेते और यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पर सारी वीडियो थोड़ा सा लोडिंग लेगा, क्योंकि आप लोगों ने प्रोक्सी कनेक्ट की हुई है और आप लोगों की टिकटॉक जो है उसी टाइम चल जाएगी। तो आप लोग इस मेथड को यूज़ करके आप लोग कनेक्ट कर सकती हो, जिससे आप लोगों के अकाउंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, यहाँ पर जो है हमारे पास अकाउंट आ चुका है, तो इनको चेक करते हैं कि क्या ये भी वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रही हैं या नहीं कर रही। सो हे गाइस, यहाँ पर जो है ये भी वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रही हैं, ये पाकिस्तान के जाने माने टिकटॉक स्टार हैं और ये भी वीपीएन कनेक्ट करके वीडियोस वगैरह अपलोड कर रहे हैं। अवाम में जो है सब्र है ही नहीं। सो गाइस, वीपीएन का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप लोग लाइकी यूज़र हो, लाइकी ऐप के, लाइकी ऐप पर फॉलोअर इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताएं, मैं आप लोगों को एक धांसू किस्म की ट्रिक बताऊँगा। सो हे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।